अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर आपका खैर मकदम है। दोस्तों, रमज़ान को लेकर योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों से अपील की है और रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद भी पेश की है। दोस्तों, आप लोगों के साथ जो है योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों से क्या अपील की है और किस तरह से मुसलमानों को मुबारकबाद दी है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएँगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने दिया रमजान मुबारक को लेकर बड़ा बयान। कहा कि मुस्लिम अवाम रमजान में घर पर ही इबादत व रियाजत करे। तो आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रमजान मुबारक के मौके पर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की और कहा कि कोरोना वायरस के पेश नज़र अवाम घर में ही रहकर इबादत व रियाजत करें। दोस्तों, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने माह मुकद्दस रमज़ान के मौके पर रियासत के बाशिंदों को दिली मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। तहनीती पैगाम में वजीर आला ने कहा कि रमज़ान के पाकीज़ा अय्याम में रोज़ा, इंसानियत की खिदमत, मालिक की बंदगी जैसे नेक कामों से सेल्फ डिसिप्लिन, संजीदगी, सादगी वगैरह को फ़रोग मिलता है। इससे आपसी प्यार और भाईचारे का जज्बा आम होता है। दोस्तों, वजीर आला ने मज़ीद कहा कि उत्तर प्रदेश अमहंगी भाईचारे और सकाफती इत्तेहाद की मिसाल है। इसी विरासत और रिवायत को बरकरार रखते हुए कोरोना वायरस के पेश नज़र अवाम रमज़ान के दौरान घर में ही रहकर इबादत व रियासत करे। वाज़ह रहे कि हिंदुस्तान में बुध यानी 14 अप्रैल को पहला रोज़ा है और उत्तर प्रदेश के योगी हुकूमत ने मस्जिद में 5 लोगों से ज़्यादा लोगों की जमात बनाने की इजाज़त नहीं दी। गोया के इस बार भी रमज़ान में मुसलमानों को 5 वक्ता नमाजों के साथ साथ नमाज तरावी में भी मस्जिद का रूपरवर माहौल नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद पेश की और मुसलमानों से अपील की है कि वो अपने ही घरों में नमाजों का अहतमाम करें, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मस्जिद में 5 लोगों को जाने की ही परमिशन दी गई है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।